अब बच्चे अब हम जो है ग्राफिक मेथड ऑफ द आपके पास से मोड का हम करेंगे। तो सर ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसका हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम के लिए आपको पहले एक सिंपल अपना एक ग्राफ बनाएंगे, पहले आपका आपके पास में एक वाई एक्सिस रहने वाला है, बहुत आसान है इसमें तो, और एक आपका एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है बच्चे, एक आपका वाई एक्सिस और एक आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस और ओरिजिन। आप जो है ना आपके पास से जो मार्क्स है, जो इंटरवल्स है, वो आप एक्स एक्सिस पे लिखा करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आपका 100। ठीक है बच्चे, अब आपके पास में 100 हो गए। अब यहां पर अगर आप देखते हैं, यहां फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होगा, तो फ्रीक्वेंसी कहां तक है, दो दो गैप परफेक्ट रहने वाला है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक ही है, चलिए 18 तक ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। 0 से 10 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4, तो मतलब ये यहां पे 0 से 10 में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ये ऐसे हो, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, 0 से 10 तक में, और उसके बाद आपका 10 से 20 तक में 6 है, तो 10 से 20 तक में 6 है, तो ये 6 लोग 10 से 20 तक में आएंगे। ठीक है बच्चे, 6 लोग, और 20 से आपका, अच्छा 20 से 40 तक में 14 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 से 40 तक में 14 लोग हैं, तो 20 से 40, 20 से 14 लोग हैं, 14 लोग, ये रहे ये 14, कितने लोग हैं, 40, 20 से 40 तक में 14 लोग हैं। ठीक है, ये रहा, और आगे आपका 40 से 50 में 16 है, तो 40 से 50 में 16 है। ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद आपके पास में 50 से 60 में 14 है, 50 से 60 में ये 14 है, 60-70 में 8 है, 60 से 70 में 8 है, 70 से 90 में 16 है, 70 से 90 में 16 है, 90-100 में 5 है, 90 से 100 में 5 है, हाँ जी ये कर लिया आपने। अब इसमें आप ये देखिएगा कि आपके पास में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, आप अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, ये पहले आप यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पहले पूछेंगे आप। आज मोड आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मोड कंप्लीट होने के बाद अगले दो क्लासेस में हम मेजरमेंट ऑफ संडे टेंडेंसी को कर लेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे।
डन बच्चों। चलिए अब देखिए किस तरीके से करेंगे आप इसको, समझिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है आपकी? 16 है और एक आपके पास में क्या है, 16, दो 16 दिए हुए यहां पर, दो 16 गलत है, मिस्टेक कुछ हो गई है। 16 14 8 8 8 और 5 था, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये कुछ और था। वैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो जैसे ये आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो इसके जहाँ ये इससे पहले वाला एंड हुआ उससे स्टार्ट करो और इसके जो है अपोजिट कॉर्नर को टच करो, ये स्टार्ट करो और इसके अपोजिट कॉर्नर को टच करो यहां से, ठीक है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से आप वैल्यू को लेकर के नीचे आओ, डन बच्चों। तो ये आपके पास में ये जो वैल्यू होगी आपके पास में लाइक 40 और 45 आ रही है आपके पास में वैल्यू, ये वैल्यू आपकी 45 आई है, इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप मोड बोलेंगे। यहां पर एक गलती से जो ये देख रहे हैं आप, ये गलती से आ गए, फ्रीक्वेंसी कुछ और है, वो टाइपिंग में गलती हुई है, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर लो, 3 बार 18, हाँ ये ठीक है, 34, और लेकिन यहां पर आप एक बात देखिएगा, यहां पर आपके पास में क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास में ये इंक्लूसिव सीरीज है, तो पहले क्या करोगे आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ट्राई करें पहले आप, पहले इसको एक्सक्लूसिव में लेके जाओ, फिर इसका आप हिस्टोग्राम बनाओ जल्दी से, अपने रजिस्टर में फटाफट एक रफ आइडिया भी ले लो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा करेंगे कैसे। हेलो, हाँ जी बच्चे, देखिएगा क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप जो है इस इंटरवल को, आप पहले इसमें गैप कितना है, 34 और 35 में एक का गैप है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5, तो सब में 0.5 माइनस, तो क्या जाएगा 29.5 से ये 34.5, तो 5 का गैप है, तो आप वही 5 का गैप चलेगा 34.5 और आपका 39.5, 39.5 टू 45.5, 44.5, सॉरी 44.5, ठीक है, और 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5, 59.5 और 64.5, ये क्लियर है बच्चे? तो ये आप आपका एक्स हो गया, और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता जब भी आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में लेके जाते हैं, तो ग्राफ बनाना है आपने, अब ग्राफ आप बना रहे हैं तो आपके पास में इंटरवल 0 to 29.5, और 34.5, तो पांच पांच का गैप है ना, बट यहां पांच का गैप है, इसको जिग जैग कर दो दिस वन लाइक ऐसे, बाकी क्योंकि यहां पे गैप वो नहीं है जो आगे है, इसलिए इसको जिग जैग कर दिया,
39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, कहाँ तक आपका? 64.5, 64.5, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी भी अगर आप चलिए बनाते हैं तो क्या आपका रहता है फ्रीक्वेंसी? 3 से लेकर के मैक्सिमम 18 तक है, दो दो गैप बेस्ट रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो आपका 29.5 से 34.5 तक क्या फ्रीक्वेंसी क्या? 3 है, तो 2 और 4 के बीच में। और उसके बाद 34.5 से 35 है, तो 4 और 5 के, 4 और 6 के बीच में। और उसके बाद 12 है, और उसके बाद 18, फिर आपका 14 है, और फिर आपका 6 है, और फिर उसका आपका 2 है। हाँ जी, देखें जरा यहां पर, ये क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आप यहां देखेंगे कि आपके पास में सबसे हाईएस्ट ये है, तो इससे आप स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट्स को यहां से, और इसके अपोजिट में यहां तक लेके जाओ। उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक लेके जाओ। अब ये पॉइंट आपका मोड के लिए जरूरी है, इस पॉइंट का आपका यहां पर आना। तो अब आपके पास में क्या है, आपके जो एग्जैक्ट वैल्यू जो ग्राफ पे पता लगेगी, ये जो वैल्यूज आपकी होंगी यही आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी? मोड को रिप्रेजेंट करेगी। लाइक कि आपके पास में 47 के आसपास वैल्यू आपकी मोड की रहेगी, 47.5। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया? कोई डाउट? तो यहां पर आपका क्या हो गया, इसमें मोड आपका हो गया 47.5, ये आपके पास में इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मोड अच्छे से समझ में आया, मोड की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आपको आ गई है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन, 3 मीन के बारे में और अच्छे समझेंगे, और जल्दी ही हम मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्डनेस को फिनिश करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस जो है कहाँ से करें। देखिए, सीरीज में चेंज करने में कोई चेंजेस, कोई प्रॉब्लम, चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं आपको, वो एक बार कर लिया हर बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। थोड़ा सा बस रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने के बाद जब आप 10 ईयर से क्वेश्चन को करेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा कि क्वेश्चन आपके होंगे, और मार्क्स इसमें फुल ही आते हैं, कोई मार्क्स कटने के चांस रहते नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर रहता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक रहती नहीं है। तो आपके पास में और जो आप 10 ईयर से आप मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी की प्रैक्टिस करोगे, कहां से? सुन लो ध्यान से, 10 ईयर से। 10 ईयर अभी आया नहीं है, बट पिछला वाला भी 10 ईयर किसी आपके फ्रेंड्स वगैरह के पास पड़ा हुआ है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए 10 ईयर में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपका 1 साल का जो अभी क्वेश्चन है वो आपका ऐड हुआ होगा, और उसके बाद कोई खास फर्क नहीं है, समझे? तो जो पिछले साल वाला जो आपका 10 ईयर है उसके अंदर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आप जाकर करके आप ये क्वेश्चन करें प्रैक्टिस में। जेके ठकराल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, उससे भी जानने की नीड नहीं है, ठीक है, सीखने के लिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 10 ईयर में अगर आपको 15-20 सवाल मिलते हैं, बस वो प्रैक्टिस कर लो, पेपर आपका वहीं से है, ठीक है बच्चे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में।